क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कामयाबी का अज़्म लिए कौमी क्रिकेट भारत रवाना। लाहौर से दुबई रवाना होने वाली टीम में 15 खिलाड़ियों के साथ साथ 3 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल। कोचेज और मुआवन अमला समेत 13 अरकान भी स्क्वाड का हिस्सा। बॉलिंग कोच मॉन मॉर्कल दुबई में ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर 30 सितंबर को बराह रास्त भारत पहुँचेंगे। दुबई में 9 घंटे क्याम के बाद अगली मंजिल भारतीय शहर हैदराबाद होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ की अदालती इजाजत का जायजा लेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल्हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे लंदन दौरे को सियासी रंग न दिया जाए, किसी सियासी जमात या रहनुमा से राब्ता नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं कानून देखेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना सियासी या इंतजामी नहीं कानूनी मामला है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा लंदन मुकम्मल, कल सऊदी अरब रवाना होंगे। चेयरमैन पीटीआई अटक से अडयाला जेल मुंतकिल, साबिक वज़ीरे आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में रखा गया। ब्लॉक के बाहर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात। अडयाला जेल पहुंचने पर चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना डॉक्टर ने मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बेटर क्लास में फराहम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी सूबे में बढ़ते जुर्म की बड़ी वजह हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 3,21,677 गैर कानूनी अफगान बशिंदे रिहाइश पसीर हैं। अफगान बशिंदे अगवा बराए तवान, मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असलहा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर बड़े जुर्म में मुलविस हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में फिर डेरे डालने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत तैयारियों में मसरूफ। मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पर मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी पंजाब के तमाम डिविजनल सदूर ने इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज ने कमर कस ली। पार्टी कायद की आमद से पहले लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला। नून लीग की सीनियर नायब सदर पहला जलसा 1 अक्टूबर को शाहदरा में करेंगी। खिताब में आवाम को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी। लाहौर में जलसों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जलसों में नून लीग की सीनियर और मकामी क़यादत भी शिरकत करेगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हलकों में इलेक्शन होंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 32,508 पोलिंग स्टेशन हसास और 17,411 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन नतज के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिक आलात फराहम किए जाएंगे। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने लोड शेडिंग को रकावट करार दे दिया। पंजाब काबीना ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम को ख़त्म कर दिया गया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। काबीना मजीद तोसी कर सकेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कंवर दिलशाद कहते हैं, वज़ार हुकूमत ने जानबूझकर ईवीएम को एक्ट में डाला था। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईवीएम काबिल अमल मंसूबा नहीं है। अगर पीजीआई पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवक़्त हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर होगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन बेमानी होगा, ऐसे इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं होगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर है। वाइस चेयरमैन तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने वासी कर दिया। कहा, शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत और वाहिद हल है। मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ। आज दहशतगर्द बना दिया गया।
अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच का शेख रशीद को 2 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। कहा साबिक वजीर दाखिला बरामद ना हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। आरपीओ सैयद खुर्रम अली की सख्त सरजनिश। कहा किसी और को नहीं बुलाएंगे, आरपीओ ही बरामद करेंगे। लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूखी पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, क्यों ना चेयरमैन वक्त मतरुका इमलाक को जाती तौर पर तलब किया जाए। हमने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं वरना कैंगरू कोर्ट्स खिलाएंगे। हमें बगैर खौफ व खतर फैसले करने होंगे। किस कानून के तहत चेयरमैन सेनेट के भाई को सरकारी घर दिया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया। राजिक संजानी को सरकारी घर के अलॉटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। वकील ने बताया राजिक संजानी ने अलॉट किया गया घर सरेंडर कर दिया। जस्टिस बाबर सरदार ने रिमार्क्स दिए, उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया? इस केस से नजर आ रहा है अंदर और क्या कुछ हो रहा है। राजिक संजानी की बतौर MD सैंडिंग बैटल्स कंपनी तैनाती पर भी सवाल उठा दिए। जस्टिस बाबर सरदार ने कहा यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं, आपके लिए बेहतर यही होगा जल्द अज जल्द घर खाली कर दें। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के दिलचस्प रिमार्क्स। कामसिन बच्चियों की हवालगी से मुतालिक केस में कहा नमाज रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और इखलाक भी लाजिम है। सिर्फ दाढ़ी रखने से बनता मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कामसिन बच्चियों को वालिदा के सपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बरी पेशरफ। आईबी की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त वापस लेने के इस्तदा। मुतफारिक दरखास्त दायर करते हुए मौकफ अपनाया। फैजाबाद धरना नजरसानी 28 सितंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर है। आईबी नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, इसलिए नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कानून की पाबंदी लाजमी करें। इस्लामाबाद में भारी जुर्मानों का नोटिफिकेशन जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने का जुर्माना 1000 रुपए होगा। वन व्हीलिंग पर 5000 का चलान किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 1500 रुपए कर दिया गया। काले शीशे वाली गाड़ियों को भी 1500 रुपए जुर्माना होगा। इसराइली वजीर सयाह सऊदी अरब पहुंच गए, अक्वामे मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उधर सऊदी वफ़द 3 दहाइयों के बाद पहली बार फलस्तीन के मगरबी किनारे पहुंच गया। समुद्री आलूदगी इंतहाई संजीदा मसला। आबी हयात शदीद मुतासिर, अफजाइश में भी वास्ते कमी। समुद्री आलूदगी फैलती कैसे है और उससे छुटकारा किस तरह मुमकिन है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान एडवेंचर टूरिज्म, कुदरती खूबसूरती, मजहबी सयाह, तारीखी मकामात से मालामाल, सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत के आसार भी सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज हैं।